मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआओं से, मेरे मालिक के फजल व करम से, और अपने घर में हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे मैंने बनाया दाल, दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरा। यहाँ पे है देखिए दाल मैंने बना ली है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रोटी, दूध वगैरह मैंने गर्म कर लिया। अबू का बहू उठ गया पॉटी करने और बेटी मेरी मदद कर रही है। ये इधर पड़ा है, बेटी मेरी हेल्प कर रही है। अच्छा, पर्दे हटा दिया है, अंधेरा अंधेरा लग रहा था। ये मेरी बेटी है, एक गिरेगा। मैं अभी जा रही हूँ रोटी डालने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। दूध रोटी खा रही है, यहाँ पे रोटी खा रहा है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। सवेरे से अब जाके बैठी हूँ, सवेरे से उठी थी, अब बैठी हूँ। इसको चटनी बना रही है। बहुत गर्मी लग रही है, ब्रेकफास्ट सबको करा दिया मैंने। इब्बी का बच्चा डब्बा भी दे दिया है और इब्बी का बच्चा ले गया, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। पापा के लिए इंतजार कर रहे हैं। पापा अभी तो गए हैं तेरे। किसके जानवर है? मम्मा का। किसकी मम्मा? छोड़, लग रहा है। मम्मा लग रहा है मेरे को, छोड़ दे, हट जाए तुरंत। तो मैंने जो है बर्तन वर्तन धो लिया ब्रेकफास्ट का। अभी तो दाल पड़ा हुआ है, जो दाल मैंने सवेरे बनाया था। पापड़ भी है। अब देखती हूँ आलू का चोखा बनाऊंगी, आलू का भरता जिसको बोलते हैं। और कल रात से मेरी औरतों वाली प्रॉब्लम चालू हो गई है, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। ना मुझे खाना अच्छा लगता ये कुछ दिनों तक, न मतलब मुझे एकदम चिड़चिड़ होती है, अच्छा ही नहीं लगता कुछ। ये होता है और मेरा तो क्रैम्पिंग भी होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, बट फिर भी करना तो पड़ता है। अब ऐसा मन हो रहा कि कुछ भी नहीं करूँ, पड़ी रहूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे सर के ऊपर तो जिम्मेदारी है मेरे बच्चों का। इनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब करना पड़ता है। फिर मेरी बेटी बड़ी है तो माशाल्लाह से मेरी मदद हो जाती है, वो मेरी मदद कर देती है। ये देखो इसका टी शर्ट मैंने बाथरूम में रखा ना धोने के लिए, कल उसने छुट्टी पिया था तो पूरा। हाँ, ये कबर में डाल दो। तो बेटी बड़ी होगी तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, और ये तो सुकून ही नहीं देता है। अगर एक ये सब नहीं करते, वो अकेले सुकून से बैठ ही नहीं सकते हो। अकेले की जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसा हो गया है। मतलब कि बहुत, मतलब इरिटेशन मुझे फील होते कुछ दिन। एनीवेज कुछ दिन से व्यूज भी डाउन है मेरा। देखते हैं इंशाल्लाह दुकान। हाँ, मैं मेरी एक आपा है जो हमेशा बोलता है, ऐसा दुकान एक जैसा हमेशा नहीं चलता है। तो दुकान एक जैसा हमेशा नहीं चलता है, अप एंड डाउन होता रहता है। बट मेरा डेली व्लॉग दूसरे व्लॉग से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, थैंकफुली। मतलब जितना भी आता है अभी, फिर दूसरे व्लॉग से तो अच्छे ही आते हैं। तो इतना तो खुशी है कि लोग दूसरों के नाम की वीडियो से ज़्यादा मुझे देखना प्रेफर करते हैं, चाहे 500 हो, 1000 हो, जो भी हो, 300 हो, 200, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पॉटी आई, देखा सुकून से बैठने को बोली, पॉटी आई, चलो उसको पॉटी करा के फिर मैं अपने से मिलती। सारे बर्तन धुल चुके हैं। यहाँ पे तो सवेरे का दाल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सवेरे का दाल है। यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखा है, चावल और आलू उबालने को बिठाया है। आलू का चोखा बनाऊंगी, मतलब आलू का भरता, और चावल और दाल। और पापड़ पड़ा है, मैंने फ्रिज में रखा है। फ्रिज में इसलिए रखा है क्योंकि चींटी पकड़ लेती है। सो दैट्स इट। ये है आज का लंच, दाल, आलू का भरता और पापड़।
और अचार है नहीं और मैं अभी खाऊंगी भी नहीं क्योंकि अभी मुझे प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को पता है। आलम नहा रही है, इब्बू यहाँ पे कार्टून देख रहा है। क्या हुआ, क्या चाहिए? कोको मेलन ना समझ डॉगी तो नहीं है बेटा। डोरेमोन है, डोरेमोन देख लो, ठीक है ना समझ डॉगी रात को। तो दोनों का नहाना हो चुका है, दोनों यहाँ पे कर रहे मटर गश्ती। हाँ स्विमिंग पूल जाएंगे। बाबा मेरे को इतनी नींद आ रही, मैं इतनी थक। बाबा छुट्टी लेंगे तब जाएंगे ना, ठीक है? बाबा छुट्टी लेंगे बोला ना, जाएंगे जाएंगे हम, तब तुंजी देंगे तब जाएंगे। हाँ हम स्विमिंग पूल पे जाएंगे, टेंशन मत लो, तब जाएंगे। बाबा छुट्टी लेंगे जब, तुम बाबा को बोलो छुट्टी लेंगे तब जाएंगे। हाँ सब, हाँ सब जाएंगे, सब जाएंगे। हाँ आपा भी जाएंगी, हाँ भैया भी, हाँ मेरे आपा तो जाएंगे। आपा देख लो, अब तो तुम्हारा भतीजा भी बोल रहा है आपा भी जाएंगी। उन उसका भी खाया, अभी खाया उसका भी। उसको थोड़ा पानी पिला दो। दोनों का नहाना हो गया, छोटे वाले ने खाना खा लिया, बड़ी वाली तो मेरे साथ खाएगी, उसका भी चावल खाया। अरे नहीं भागते, चलो मैं बाकी का काम खत्म कर लूँ। लगाना लगाना लगाना, इसीलिए बोल तेरा कमाल लगा, देख 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 गुरु, देखा बोल ही रहा है, इसको लगा हाथ में, देखा शो ऑफ की दुकान, हाथ में लगा गुरु, अरे देखा मेरा कमाल कैमरा के लिए कुछ भी करेगा। अरे 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 पैर नहीं झाड़ा, देखा मैं नहा के आ चुकी हूँ। दोनों ने घर में, मैं नहाने गई थी, आप यकीन मानो मुझे बाथरूम से लिटरली चिल्लाना पड़ता है, मुझे लिटरली बाथरूम से चिल्ला के इनको धमकी देना पड़ता है, इतना चिल्लाना पड़ता है कि मैं लिटरली थक जाती हूँ। थोड़ा देर नहाने गई थी, तेरे को समझ नहीं आता ये बड़ी हो रही है लेकिन छोटी हो रही है, ये भी बाप रे बाप इतना परेशान कर रहे, सुकून से नहाने भी नहीं दे रहे, सुकून से नहाने नहीं दे रहे है कि तुम सुकून से थोड़ा सा नहाओ कि घिस घास के, वो भी औकात नहीं है तुम्हारी। लिटरली मुझे बाथरूम के अंदर से चिल्लाना पड़ रहा है। और कपड़े देखिए, कपड़े भी धोके दिए और एक टेडी बेयर भी, मतलब किटी का एक वो है डॉल है वो भी धोके दिया, कपड़े भी आज बहुत थे। तो चलिए भी खाना वाना खा लेते, नमाज तो पढ़ना नहीं है। और इसको भी मैं सुला देती हूँ क्योंकि जब तक ये नहीं सोएगा ना, ये देखो तो ये सुकून नहीं देते मुझे, तो जब इसको सुकून सुला लेते फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। भाई मैंने कपड़े धो दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन से कपड़े, एक लाइन में धोके दूसरे लाइन पे हमारे लाइन से कपड़े लगे हुए हैं एंड तक। कपड़े मैंने दे दिए धोके, हाथ से ही धोती हूँ और हाथ से साफ भी होता है। आप बोल रही थी मशीन ले लें, लेकिन अभी लाइन चलेगी, मेरा बेटा उठ जाएगा। इब्बू को सुला दिया था, सुला के मैं जो है कपड़े देने गई थी, अब तो लाइन चली गई, अब मेरा बेटा उड़ जाएगा। एक वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी कल रात को जो बनाया था रिएक्शन वाला, दूसरे चैनल पे व्यूज़ आए या ना आए, दुकान हमेशा एक जैसे नहीं चलती है, बुरा वक्त आया है, इसका मतलब ये कि अच्छा वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है। तो कोशिश करना अपने हाथ में है, बाकी रिजक में जितना है वो तो मिलेगा ही, अल्लाह ताला जितना लिखा है। बट ये है कि अभी मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सो जाऊँगी, लेकिन बेटा मेरा भी उठ जाएगा, लाइन चली गई है, हवा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवा आ रही है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है, एक बादल वगैरह तो छाए हुए हैं लेकिन ऐसा हाल हुआ है जो वो कहावत है ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले बादल गरजते नहीं,
देखो बादल गरज रहा है लेकिन बारिश नहीं आती है, काफ़ी दिनों से हो रहा है, गरजता है फिर बादल छा जाते हैं, हवा चलती है लेकिन बारिश नहीं होती भैया, वो हाल यहाँ पे हो रहा है। एनीवेज आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग को खैर फिलहाल अभी तो मेरे व्लॉग का भी व्यूज़ कम हो गया, फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। तो जिन जिन लोग जो जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को दुश्मन बोलो या फिर दोस्त बोलो, सबको आपको दिल से थैंक यू कि आप लोग फिर भी देख रहे हो जी। जो जो लोग और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे डेली व्लॉग्स पे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ का सुकून रहता है कि लोग मुझे देखने आते हैं, चाहे जितने भी आते हैं 100, 500, 200, 1000, 3000 जो भी लोग आते हैं वो मुझे देखने आते हैं, मुझे जानने आते हैं, चाहे वो हेटर हो या सपोर्टर, तो मुझे खुशी मिलती है। तो जो जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हैं आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच, जो जो लोग कमेंट करते हैं आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत ही सही मुझे प्यार देते हो। और आप लोग को मेरे व्लॉग में अगर कुछ ऐसा देखना है तो ज़रूर मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी, आप लोग बताएं। एंड होपफुली अच्छा तरीके बाद में बाहर थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिप के लिए जाऊंगी 2 दिन के लिए, होपफुली तब ट्रैवल व्लॉग भी मैं बना दूंगी। खैर फिलहाल अभी हवा मस्त आ रही है, बेटा कब उठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, तब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग से, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना एंड लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या जरूर शेयर करना। बाय बाय।